एशियन समाचार सुनने वाले सभी दर्शकों को अमरजीत का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या अली मदद। सुनिए इस हफ्ते के मुख्य समाचार। दिल्ली में देश की सबसे ऊंची रिहायशी इमारत बनाने की तैयारी चल रही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई जाने वाली इस इमारत में न केवल 5,000 परिवारों की गृहस्थी बसेगी बल्कि सभ्यता संस्कृति सहित अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ग्लोबल वेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी वेल्थ एक्स ने दुनिया भर में 40 साल से कम उम्र के अमीरों की सूची जारी की है। इसमें सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग पहले पायदान पर हैं। भूमि अधिग्रहण विधेयक के खिलाफ पदयात्रा की तैयारी पर रहे सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे को फेसबुक पर जान से मारने की धमकी मिली है। इसके मद्देनज़र महाराष्ट्र पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की ऊंची चोटियों पर बुधवार को भी हिमपात हुआ जिससे लोगों की दुविधाएं और बढ़ गई। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह हुए भूस्खलन और बर्फ जमा होने से लगातार तीसरे दिन भी हाईवे नहीं खुल सका। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बुधवार को गृह विभाग का जिम्मा संभालते ही राज्य में सरेंडर करने वाले और रिहा हो चुके आतंकियों का पुनर्वास किया जाएगा। देश के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी नहीं बल्कि दिलीप सांधवी हैं। भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी सन फार्मा के प्रमुख सांधवी की संपत्ति की ताज़ा आंकड़ा 21.5 अरब डॉलर का है। इसके मुकाबले अंबानी की दौलत 20.4 अरब डॉलर रह गई है। दो दिन पहले ही फोर्ब्स ने इनकी सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश को भारतीय धन कुबेरों में शीर्ष पर रखा था। बुधवार को सदन स्थगित होने के बाद संसद भवन परिसर में सांसदों ने जमकर होली खेली और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाए। फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपति महिलाओं की सूची में इस बार 5 भारतीय महिलाएं शामिल हैं। सूची में पहला स्थान सावित्री जिंदल का है। पूरे विश्व में महिला अरबपतियों की संख्या 197 है। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बेंगलुरु और पाकिस्तान की वित्तीय राजधानी कराची विश्व के सबसे सस्ते शहरों में शुमार है। दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची में सिंगापुर लगातार दूसरे वर्ष भी शीर्ष पर बना हुआ है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के ताज़ा सर्वेक्षण में ये बात कही गई है। राजधानी दिल्ली से सटे औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में मंगलवार को देश का सबसे ऊँचा तिरंगा फहराया गया। 250 फीट ऊँचे इस राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने फहराया। महाराष्ट्र सरकार पूरे राज्य में स्वाइन फ्लू के लिए मुफ्त उपचार मुहैया कराएगी, यह घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फर्नांडिस ने दी है। इस वायरल बीमारी से अब तक राज्य में करीब 150 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची में बुधवार को एक वरिष्ठ अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अल्पसंख्यक शिया समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले अधिवक्ता मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पार्टी से जुड़े तमाम नेताओं के मुकदमे की पैरवी भी कर रहे थे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिकी यात्रा को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ईरान परमाणु समझौते को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा व नेतन्याहू के बीच के मतभेद उजागर हो गए हैं। दुनिया के सबसे गरीब राष्ट्रपति के रूप में चर्चित उरुग्वे के होजे मुजिका अपने पद से रिटायर हो गए हैं। मुजिका अपने सरल स्वभाव व साधारण जिंदगी के लिए मशहूर हुए। मुजिका ने अपने 5 साल के कार्यकाल में देश को तो अमीर बना दिया लेकिन खुद कंगाल बने रहे। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में रहने की अपेक्षा अपने देशों के लोगों जैसा साधारण घर में रहने का निर्णय लिया। वे अपनी आय का 90% दान में देते थे। उनकी विदाई के साथ ही यूरुगे ने नए राष्ट्रपति तबारे वाक्वेज का स्वागत किया। सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट में भारतीय मूल के वरिष्ठ अधिवक्ता कनन रमेश को न्यायिक आयुक्त नियुक्त किया गया है। कनन 2 वर्ष तक इस पद पर रहेंगे। कनन 22 मई से न्यायिक आयुक्त का पद संभालेंगे। चीन के खगोलविदों ने अब तक का सबसे बड़ा क्वासर खोजा है। इसका भार 1200 करोड़ सूर्यों के बराबर है। इसमें 4300 खरब सूर्यों के बराबर ऊर्जा है। ये पृथ्वी से 12.8 अरब प्रकाश दूर की दूरी पर स्थित है।
दक्षिण कोरिया में अमेरिकी राजदूत मार्क लिपर्ट पर राजधानी सियोल में धाराधार हथियार से हमला हुआ। बताया गया है कि एक व्यक्ति ने लिपर्ट के चेहरे और कलाई पर धारदार चाकू से हमला किया। पुलिस का कहना है कि हमलावर उस ग्रुप का सदस्य है जिसकी मांग है दोनों कोरिया का विलय। दुनिया भर में मशहूर लंदन के मैडम तुसार म्यूजियम में हुए जल्द अभिनेत्री कटरीना कैफ का मोम का पुतला नजर आने लगा है। इनके इस पुतले का मार्च के मध्य में अनावरण किया जाएगा। विदेशी शो के साथ ही प्रियंका ने एक हैंडबैग ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए पूरे 15 करोड़ रुपए वसूले हैं। अभिनेत्री रानी मुखर्जी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें प्रदीप सरकार की फिल्म मर्दानी से महिलाओं और बच्चियों से जुड़े मुद्दे को बेहतरीन तरीके से पेश करने के लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया है। सेलिब्रिटी इंटीरियर डेकोरेटर सुजैन खान अपने लिए हाई लिविंग में दिलचस्पी दिखा रही हैं। सुजैन ने पुणे में करीब 16 करोड़ रुपए का पेंट हाउस खरीदा है। पटना हाई कोर्ट ने मल्लिका शेरावत की फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स की रिलीज पर रोक लगा दी है। याचिका में फिल्म के उस सीन पर आपत्ति जताई गई है जिसमें मल्लिका ने अपने नग्न शरीर को तिरंगे से लपेट रखा है। फिल्म 6 मार्च को रिलीज होनी थी। जैकलिन फर्नांडिस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तो अपनी पहचान बना ही चुकी हैं और वे श्रीलंकाई फिल्मों में काम करने को लेकर उत्साहित हैं। उन्हें एक फिल्म अकॉर्डिंग टू मैथ्यू भी मिल गई है। 28 फरवरी को अचानक बारिश शुरू होने से कमलस्थान स्टूडियो में लगे उनके सेट पर मौजूद यूनिट के लोगों में अफरा तफरी मच गई। यूनिट सनी की अगली फिल्म घायल वंस अगेन की शूटिंग पर कर रही थी। सेट काफ़ी महंगा था और बारिश ने काफ़ी नुकसान कर दिया। नुकसान करोड़ों में आंका जा रहा है। हॉलीवुड के मशहूर एक्टर लेनार्ड निमॉय का निधन हो गया है। वे 83 वर्ष के थे। लॉस एंजलिस स्थित अपने घर में उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्हें स्टार ट्रैक नाम की टेलीविज़न सीरीज और फिल्म सीरीज से प्रसिद्धि मिली थी। फिल्म में उन्होंने मिस्टर स्पॉक की भूमिका निभाई थी। इसी के साथ आज के एशियन समाचार यहीं समाप्त होते हैं। अगले हफ्ते आज के दिन इसी समय सुनना न भूलिए एशियन समाचार। तब तक के लिए अमरजीत को आगे दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या अली मदद।